नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अ पेनी स्टॉक एंड ईवी स्टॉक, जिसमें काफी ऊपर का ग्रोथ अभी बचा हुआ है, अभी ब्रेकआउट लेवल पे है। तो ब्रेकआउट जब लेवल पे है तो स्टॉप लॉस हमारा काफी छोटा रहेगा, एंड ब्रेकआउट अगर होगा तो हमें लगभग 10x से 20x तक का रिटर्न आने का ताकत रखता है इस शेयर में। ओके, सो ऑलरेडी इसमें देख सकते हैं लगभग 6.36% का अनाउंस ऑलरेडी आ चुका है। अनाउंसमेंट के बाद अभी कंपनी की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया है रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस विद द कंपनी। सो किस तरह का अलायंस है, किस चीज को लेकर के है, एंड चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है काफी धूम मचा रहा है, अभी मार्केट में काफी इसका डिमांड है ऐसे स्टॉक्स का, सो अभी काफी से रिटर्न आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजिक अलायंस, किस चीज को लेकर के हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, एंड कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे, यानी FIDI का स्टेटस क्या है, प्रमोटर का क्या स्टेटस है, एंड प्लस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी कि कंपनी का सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंट का, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कंपनी देख सकते हैं वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें आपका इसका देख सकते हैं मार्केट कैप एक स्मॉल कैप स्टॉक है और PY रेशियो इसका काफी हाई है बिकॉज कंपनी का EPS काफी लो है। ओके, पेनी स्टॉक है, रिस्क भी उतना ही रहेगा, तो आपको इतना ही पैसा लगाना जितना आप लॉस को बेयर कर सके। रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी काफी अच्छा है, और बिना अपने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर संपर्क करने के बिना कोई भी काम नहीं कीजिएगा। बस हम लोग स्टॉक को भी डिस्कस करते हैं। प्यूर स्कोर 4 का है जो कि अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये देखिए कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, और कंपनी का डेट देख सकते हैं 48.7 करोड़ का है, और इंडस्ट्री का PY 38.2 है, प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं अच्छा खासा 70.4% का यहाँ पर है। ओके, कंपनी करती क्या है जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड जो है फोकसेस टू प्रोवाइड क्लीन एंड ग्रीनर अल्टरनेटिव टू करंट वे ऑफ लाइफ थ्रू टू स्टार्स जॉय ई बाइक्स एंड व्योम इनोवेशन, लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर है ये स्टॉक। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। कंपनी जो है इस फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू गेट लिस्टेड ऑन BSE विद द कोर बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो 2016 में देख सकते हैं इस जगह पर कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बाइसिकल 2016 एंड लेटर इंट्रोड्यूस लो स्पीड ई व्हीकल्स लाइक जेनेक्स्ट, गॉब, वुल्फ एंड मॉन्स्टर। सो और इनका जो कंपनी इन्होंने देखिए बेचा है 30,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन फाइनेंशियल 22 इन कंपेयर टू 4,229 यूनिट, समझ सकते हैं 4,229 से बढ़कर के 30,000 यूनिट इन्होंने सेल किया है। की डेटा देखिएगा, डीलर 750 प्लस है, कंपनी ओन रिटेल आउटलेट 25 का है, एम्प्लॉय साइज 70 है, 700 का है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 90,000 स्क्वायर फीट, और यूनिट सोल्ड देख सकते हैं 36,500। जॉय बैक्स बाइक्स का आप रीड आउट कर सकते हैं, एंड 4 इंटू 3 व्हीलर सेगमेंट व्योम जो है अंडर दिस ब्रांड द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमर अप्लायंस फ्रॉम LED TVs टू अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर एंड एयर प्यूरिफायर टू हाइड्रोजन वाटर बॉटल्स। तो समझ सकते हैं ये ब्रांड के थ्रू ये क्या क्या सेल करती है। कंपनीज ओनली मैन्युफैक्चरर 4-डोर रेफ्रिजरेटर विथ एन ऑल ग्लास डिस्प्ले एंड क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया। तो फ्रेंड काफी बड़ा ब्रांड बन सकता है इन फ्यूचर, रिस्क लेना बनता है। मैं रिस्क ले रहा हूं लेकिन मैं आपको कोई ऐसा सजेशन नहीं दे रहा हूं, और इतना ही पैसा लगाएगा जितना आप लॉस बेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दे फिर बाद में फिर आपको बहुत अच्छा नुकसान भी हो जाए, तो इतना ही लगाइए जितना, अगर डूब भी जाए तो ज्यादा कोई फर्क ना पड़े। अब इसमें रेवेन्यू बेस देखिएगा तो जॉय बैग्स 100% का है और वर्सेस 61% एंड बॉम से निल है। ओके, व्हीकल का प्राइस रेंज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्राइस रेंज है, और इंडिया में 99% एक्सपोर्ट 1% का है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या क्या है, तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पर रीड आउट कीजिए। हम लोग जो अभी जो कंपनी का अलायंस हुआ है उसको रीड आउट करते हैं, उससे पहले कंपनी का देखिए रिजल्ट को जरा चेक कर लेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिएगा तो अभी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, सेल्स 37.87 से बढ़कर के 45.11 हुआ है, और नेट प्रॉफिट 1.75 से बढ़कर के 2.42 हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक है, बढ़ रहा है, सेल्स यहाँ पर इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर से। ओके, कंपनी का अगर हम लोग चेक करते हैं शेयरिंग हिस्ट्री, तो प्रमोटर का सिर्फ 2020 से अभी अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो बढ़ करके 66.86 से बढ़ करके 70.46 हुआ, तो प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर बढ़ रहा है। एंड जून क्वार्टर से भी कंपेयर कीजिएगा तो 70.09 से बढ़ करके 71.46 हुआ, तो प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज किया है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक डिक्लाइन हुआ 29.92 से, या 30% से गिर करके 29.55, और ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 33.14 से गिर करके 29.55 हुआ। तो ये अच्छा चीज, पॉजिटिव चीज यहाँ देखने को मिल रहा है इन शेयरिंग हिस्ट्री। ओके, कंपनी का चार्ट को अगर चेक करेंगे तो
तो ये देखिए चार्ट सुंदर सा चार्ट है, बहुत ही अच्छा। इस जगह पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न, ये देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। ब्रेकआउट के लेवल एक्चुअली यही लेवल था ब्रेकआउट का, जो कि लगभग 45 रुपीज 50-60 पैसा का लेवल था, वो ब्रेकआउट का लेवल था। और देखिए न्यूज आने पहले से न्यूज का मार्केट को पता था, और देखिए पहले से पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का एरो देख सकते हैं बाई साइड की ओर है, एंड मूविंग एवरेज का भी लाइन जो है बाई साइड की ओर है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट आप समझ सकते हैं 6 मंथ से 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, और इसमें जो पहला टारगेट जिसके लिए निकल कर आता है वो काफी हाई है। अभी भी 66 रुपीज तक का टारगेट तुरंत पे शार्प मूव इसमें आने का ताकत रखता है। न्यूज की ओर बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आया है, व्हाट विज आर इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड एंड ट्राइटॉन या ट्रीटॉन जो भी प्रोनाउंस आप करते हैं, टीवी फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर की ये यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है। तो वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर द जॉय ई बैग ब्रांड इन इंडिया, साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन बाय विद ट्राइटॉन ईवी, अ डिस्टिंग्विश्ड यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। और इस ये जो पार्टनरशिप जो है, ये कोलैबोरेशन जो है 5 ईयर्स के लिए रहेगा, स्पैन फॉर 5 ईयर्स, एम टू रिवलाइज द इलेक्ट्रिक व्हीकल लैंडस्केप बोथ इन इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी है। और इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत में ट्राइटॉन ईवी हैज सिलेक्टेड डब्ल्यूआईएमएल एज इट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉर बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स इन इंडिया एंड यूएई। फर्दर मोर डब्ल्यूआईएमएल विल एक्सपैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स फॉर ट्रीटॉन ईवी। द कोलैबोरेशन एम्फसाइजेस स्टेट कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एंड अलाइनिंग विद गवर्नमेंट विजन फॉर एनहांसिंग ग्रीन मोबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के एक्सपेंशन की मोड में भी जा रही है, एंड प्लस ट्राइटन के साथ स्ट्रैटेजी के जब पार्टनर्स करेगी तो इनको भी अपना नॉलेज जो रहता है उनके तरफ से इनको पास नॉलेज जाएगा, प्लस एक्सपेंशन मोड भी जाएगा, एंड गवर्नमेंट का विजन भी, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस सेक्टर को काफी मिला हुआ है। और दूसरा चीज है ट्राइटॉन ईवी देख सकते हैं कमिटमेंट इंक्लूड, इनका क्या कमिटमेंट है, इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हाइड्रोजन बैटरी पैक्स यूज्ड इन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स कपल्ड विद वाइटल टेक्नोलॉजी असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन लाइंस एंड एक्सपेंशन इंडिया। तो देखिए ट्राइटॉन जो है ये कंपनी डब्ल्यूएमएल को मदद करेगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगी जो भी इनके पास नॉलेज है, फॉर हाइड्रोजन बैटरी को लेकर के फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स, एंड प्लस सेटिंग अप प्रोडक्शन लाइन एंड एक्सपेंशन इन इंडिया। तो एक्सपेंशन के लिए भी ये मदद करेगी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस कंपनी के लिए आ रहा है, जो कि इसके फ्यूचर जो रहता है ये बता रहा है कि काफी ऊपर तक जाने का यहाँ पर चांसेस है। तो आप इस चीज को कंप्लीटली रीड आउट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।